श्री राम, अंदर से आवाज है, हाँ राम जी कौन है? दरवाजा खोले, विभीषण जी मिले, भगवान के भगत हनुमान जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि कहीं ये स्वयं परमात्मा तो नहीं आ गए आज हमारे को मुक्त करने के लिए। हनुमान जी अपना परिचय बताते हैं। विभीषण जी बहुत प्रसन्न होते हैं, जब भगत को कोई भगत मिलता है तो वो खुश होता है। वहां बिरादरी वाली बात आ जाती है। अब जैसे जो लेने वाले हैं उनको लेने वाले मिल जाते हैं तो कितना आनंद से रहते हैं, ऐसे ही जब संत महात्मा या भगवान के भगत अपने भगत भगवान के भगत से मिलते हैं तो खुश होते हैं। विभीषण जी बहुत प्यारी बात कर पूछते हैं कि हे प्रभु, भगवान हम पर कृपा करेंगे तो? भगवान के बारे में बताते हुए हनुमान जी कहते हैं, अरे जब वानर के ऊपर कृपा किए तो आप तो आदमी ही, भगवान कृपा करेंगे। यहाँ एक बहुत बढ़िया बात विभीषण जी कहते हैं अपने आप को सांत्वना देने के लिए। अब मोही बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक जो है भगवान के भक्तों से मिलन नहीं होता। जब भगवान के भक्तों से मिलन होता है तो जीवन में सत्संग शुरू होता है, और जब सत्संग शुरू होता है तो जीवन का अज्ञान समाप्त होता है, क्योंकि सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस में आता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। और अब हनुमान जी कहते हैं, जल्दी से मुझे बताइए जानकी मैया कहाँ हैं। विभीषण जी पता बताते हैं। हनुमान जी आकर के जानकी माँ से मिलते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता है, पर जब अंगूठी राम जी का दिया हुआ देते हैं ना, तो माँ जानकी विश्वास कर लेती है कि ये अंगूठी सिर्फ राम जी का है, ये माया द्वारा रचित अंगूठी नहीं है। लेकिन कहती हैं कि ये बताओ, इतने बड़े बड़े राक्षसों से भगवान कैसे हमें बचाएंगे? तुम्हारी जैसे लोग उनकी सेना में होंगे ना। हनुमान जी अपने असली रूप में आते हैं, ओरिजिनल यूनिफॉर्म में, हाँ, जो बिना कपड़े वाला होता है, खाली लंगोट रहता है, अब लंबा चौड़ा। तब माता जानकी को भरोसा होता है। जब सारी बात हो जाती है, माँ जानकी का समाचार ले लेते हैं, तब कहते हैं, माँ हमें भूख लगी है बहुत जोर की। सीता मन भरोस तब भयउ, लघु रूप पवन सुत लयउ। छोटा सा रूप धारण करके जब कहते हैं कि भूख लगी है, तो माँ जानकी कहती हैं उनके बल बुद्धि पर भरोसा करके कि यहाँ रावण की वाटिका है, ढेर सारे फल हैं, आप जाओ अपनी शुद्धा को मिटाओ, लेकिन थोड़ा सावधानी से, क्योंकि ढेर सारे निश्चर हैं। अब बानर तो बानर, छूटता कहाँ है स्वभाव, शरीर का तो असर रहेगा ही ना, जैसे खून का असर रहता है ना। हनुमान जी गए और खाना पीना शुरू किए, कुछ खाते हैं, कुछ तोड़ के गिराते हैं, कुछ बर्बाद करते हैं। बहुत दिनों बाद आदमी को जब कुछ मिलता है खाने को, तो आदमी ऐसा झपट के पड़ता, जैसे हम कथा सुना के जब जाते हैं तो खूब जोर का भूख लगा रहता है, खूब धनाधन खाते हैं, फिर ठंडा हो जाता है शरीर। हनुमान जी भी खूब मजे से खाते पीते हैं, लेकिन जब ये बात पता चलता है रावण को, तो अपने पुत्र को भेजता है अक्षय को रक्षा के लिए, और भगवान के कृपा से हनुमान के हाथों गलती से अनजाने में उसका वध हो जाता है। फिर मेघनाद आते हैं और ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, हनुमान जी जानबूझ के उसमें बध जाते हैं।
सोचते हैं ना कि अगर हम जाने के लिए कोशिश करेंगे ना तो अनेक दरवाजों पर हमको लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, और इसके साथ जाएंगे ना तो राजसी सम्मान के साथ हमको रावण के सामने पहुंचा दिया जाएगा। हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं। रावण पूछता है, अरे तुम्हें इतना बल कहां से आया बानर, बहुत उत्पात मचा रखे हो, तुम्हें डर नहीं लगता, किसके बल से इतना उत्पात मचा रहे हो? हनुमान जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं रावण सुनो, जाके बल लवलेश ते जितेउ चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरियान हुतियना। अरे रावण, जिसके बल के एक लेश मात्र से तुम अपने आप को बहुत बड़ा विजेता समझते हो, बहुत शक्तिशाली समझते हो, मैं उस परमात्मा का सेवक हूं जिसकी नारी तुम छल से चुरा लाए। रावण बहुत क्रोधित हुआ इस तरह का नाम बात सुन के। हनुमान जी उसको नहले पे दहला उपदेश भी कर दिए, अरे राम जी के शरण में जाओ, उनका नाम लिए बिना जीवन में मुक्ति नहीं मिलेगी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिनु पाई। जो लोग बहुत धनी है ना, अगर उनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो धन सब बेकार है। हनुमान जी कहते हैं, अपने जीवन का अहंकार त्यागो रावण, और जाके राम जी के शरण में क्षमा मांग लो, तुम्हें वो क्षमा कर देंगे, बहुत दयालु है हमारे राम जी। जब इतना सुनता है तो महा अभिमानी रावण क्रोध से तिलमिला जाता है और कहता है, इस बानर को मार डालो। दौड़ते हुए समय पर विभीषण जी आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु मत मारिए, दूत को मारा नहीं जाता, इसको सजा ही देनी है ना, इसके उदंडता की, उदंडता की, तो बहुत बहुत सुंदर सजा इसके लिए हो जाएगी। कपि के ममता पूछ परा, सबई कहूं समुझाई, तेल बोरी पटबा धिपुनी पावक देहु लगा। बानरों को अपने पूछ से बड़ा प्रेम होता है, सिर्फ बानर को नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया आदमी को भी होता है। पूछ मतलब जानते हो क्या है? पब्लिसिटी। कहते हैं अरे इनका बड़ा पूछ है, मतलब इतने लोग पूछते हैं कि आदमी खाली ही नहीं रहता। आजकल के जमाने में सबसे लंबा पूछ जानते हो किसकी होती है? जितेंद्र जी जैसे लोगों की, मतलब नेता लोगों की बड़ी पूछ होती है, और अगर सफल नेता है तो जितना सफल उतनी लंबी पूछ। अब जाके उनको कहना मत कि अपनी पूछ दिखाओ, नहीं मिलेगा। कि जिस पूछ की हम बात कर रहे हैं वो पूछ दिखाई नहीं देती है, उसको शुद्ध भाषा में कहते हैं गुडविल, ख्याति, प्रसिद्धि। हंसने के लिए मैंने पूछ कह दिया, देखो हंसने के लिए किसी न किसी को बलि पर चढ़नी ही पड़ेगी, चाहे वो चढ़े चाहे कोई और चढ़े, अब क्योंकि वो थोड़े प्रसिद्ध हैं तो इसलिए उनको चढ़ाने में मजा आता है। अब गुमनाम आदमी को चढ़ाओगे तो आदमी के ऊपर उसका असर ही नहीं होगा। तो हनुमान जी के पूछ को कपड़ा लपेटा जाता है, और वो इतने बुद्धिमान कि उनके पास तो बहुत सारी सिद्धियां है ना, शरीर छोटा करना बड़ा करना, तो का किए शरीर नहीं बड़ा किए, पूछिए को बढ़ाने लगे। खूब लंबा हो गया है, अब इतनी मुखी पूछ हो तो के लपेट दे आदमी, मेहरारू के साड़ी का जो फाल होला ना उसे काम चल जाए। लेकिन अगर 500 मीटर का पूछ हो जाए तो फिर कैसे काम हो? रावण तुरंत आदेश देता है कि जितनी साड़ी है साया है एक्स्ट्रा वाला, जो गोदेज के अलमारी में बंद करके रखी रहती है माता लोग, सब उठा लाओ। सब उठा लाते हैं, उनके पूछ में लपेटते हैं, सारा केरोसिन का तेल समाप्त हो जाता है। और फिर जैसे ही हनुमान जी के पूछ में आग लगाते हैं, हरि प्रेरित तेहि अवसरा चले मरुत उनचास,
अट्टहास करी गरजा कपी बड़ी लाग आकाश। ऐसे होता है समझो, जैसे उदाहरण है आपके घर में दीपावली मनाते हैं ना, तो सीसी में आप क्या करते हो, रॉकेट भरते हो ना और धीरे से दिया सलाई उस पे लगाते हो और जैसे लगाते हो खट से उड़ जाता है। तो ऐसे हनुमान जी रॉकेट हो गए हाँ, और जैसे उनकी पूछ में आई उड़ करके और लंका, देखो उधर से भी उड़ रहा है कोई, अच्छा सब लोग मत उड़ना ना, ये मतलब नहीं लंका नहीं, इसको बचाना है। तो पूरे लंका में जा करके, और पता नहीं लंका स्वर्ण की थी, और आग जब स्वर्ण के सन्निधि में आता है या स्वर्ण आग के तो पिघल जाता है, पूरा लंका जल के भस्म हो गया, एकदम तबाह हो गया रावण। उस दृश्य के बारे में कहा जाता है, साधु अवज्ञा कर फलुए साजरई नगर अनाथ कर जैसा। अगर किसी अच्छे सद्पुरुष महान व्यक्ति का आपने कुछ हानि कर दिया तो फिर आपकी हानि ऐसी होगी कि आपको कोई बचा नहीं सकेगा। मतलब हनुमान जी को दुख पहुंचाया ना, पहुंचाना नहीं चाहिए, रावण का पूरा तहस नहस हो गया। फिर जाते हैं और सागर में हनुमान जी डुबकी लगाते हैं, नहा धो के उनके शरीर में जितनी गर्मी आती है उससे वो अपने आप को निवृत्त करते हैं। माता के पास आते हैं, माता से कहते हैं, हे माता मुझे आप भी कुछ ऐसा चीन्हा दीजिए ताकि भगवान को जब हम दें। तो भगवान को यकीन हो सके कि हम आपसे मिल के आए हैं। माता चूड़ामणि देती हैं और उसे ले करके एक ही फ्लाइट लेते हैं ना।